पितृपक्ष के दौरान भूल कर भी ना करें, यह गलतियां नहीं तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा और आपके पितृ आपसे नाराज हो जाएंगे। इसलिए कुछ ऐसे कम है जो पितृपक्ष के दौरान भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपके पितृदेव आपसे नाराज हो जाते। पितृपक्ष के दौरान भूल कर भी ना करें, यह गलतियां नहीं तो पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा और आपकी प्रतिदिन भी आपसे नाराज हो जाएंगे। इसलिए कुछ ऐसी कम है जो पितृपक्ष के दौरान भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपके पितृदेव की नाराज हो जाती हैं और आपका जीवन खुशहाली की तरफ तो नहीं जाता, पर जीवन में कष्ट आने जरूर लग जाते हैं। इसलिए आपको इन गलतियों को भूल कर भी नहीं करना चाहिए जो हम आपको आज की वीडियो में बताने वाले हैं। स्वागत है आप सभी का आपका पसंदीदा चैनल महायोग टीवी में। माताएं बहनों, अगर आप अपने पितरों को खुश देखना चाहते हैं, भाई बहनों आप अपने पितृदेव को खुश देखना चाहते हैं, तो सच्चे हृदय से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में लिख दीजिए जाया जाए, पितृदेव या फिर जय भगवान शिव अवश्य ही लिखें, जिससे कि आपके पुत्र हमेशा ही आपसे प्रसन्न रहे और आपके जीवन में खुशहाली बनी रहे। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि पितृपक्ष में भूल कर भी ना करें, यह 11 है कम, वरना पितृ हो जाएंगे। नाराज पितृपक्ष, जिसे अक्सर श्रद्धा के रूप में जाना जाता है, जीवित लोगों के लिए अपने पूर्वजों से क्षमा मांगने और उनके प्रति श्रद्धा दिखाने का समय है। हिंदू धर्म में पितरों का बहुत महत्व माना गया है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार भाद्रपद यानी बहादुर साल का छठवां महीना है। हर साल भाद्रपद की पूर्णिमा से कर पिटारी अमावस्या तक पितृपक्ष मनाया जाता है। इस दौरान पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण श्रद्धा और पिंड दान आदि किया जाता है। मानता है इससे पितरों का आर्ण चुकाया जाता है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। 15 दिन चलने वाले पितृपक्ष के अंतिम दिन सर्वे पिटारी अमावस्या का सभी अमावस्या में सबसे ज्यादा महत्व होता है। पितृपक्ष की अवधि लगभग 15 दिन की होती है, जिसमें लोग अपने पूर्वजों को भोजन पर तर्पण आदि कर उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस समय पृथ्वी लोक से धरती लोक पर आते हैं। यह पितरों की कृपा और आशीर्वाद प्राप्ति के लिए सबसे उत्तम समय माना गया है। अगर कोई व्यक्ति पितृदोष से पीड़ित है तो वह पितृपक्ष में इससे छुटकारा पाने के उपाय भी कर सकता है, जो कि बेहद लाभकारी साबित होते हैं। प्रिय मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप लोग भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप लोगों पर बना रहे, वह इस वीडियो को एक लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाएं, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ऐसे मिले जानते हैं पितृपक्ष की तिथि श्रद्धा और इसका महत्व, साथ ही जानेंगे कि क्या करें क्या ना करें। पितृपक्ष कब से शुरू हो रहा है? हिंदू कैलेंडर के अनुसार पितृपक्ष भाद्रपद पूर्णिमा से होकर आश्विन माह की अमावस्या तिथि तक चलते हैं। ऐसे में इस बार पितृपक्ष 17 सितंबर 2024 से शुरू हो रहे हैं, जो 2 अक्टूबर तक चलेंगे। इस दौरान लोग अपने पितरों के निमित्त आश्रम कृष्ण पक्ष में तर्पण और श्राद्ध कर्म आदि करते हैं। पितृपक्ष को श्रद्धा के नाम से भी जाना जाता है। हर साल पितृपक्ष की शुरुआत भाद्रपद पूर्णिमा से होती है और सर पितृ अमावस्या को इसका समापन हो जाता है। इस साल भाद्रपद की सार्वत्रिक अमावस्या 2 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार को पड़ रही है और इसी दिन पितृपक्ष का समापन होगा। पितृपक्ष का महत्व धार्मिक दृष्टि से पितृपक्ष का बहुत महत्व है। महायोग टीवी चैनल कभी आपको कोई गलत जानकारी नहीं देगा। यह समय पितरों के प्रति सम्मान और स्मरण प्रकट करने का माना गया है। मानता है कि इस अवधि में तर्पण श्रद्धा और पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और व्यक्ति को पितृदोष से भी छुटकारा मिलता है। ऐसी मान्यता है कि मृत्यु के बाद यमराज 15 दिनों के लिए मृतक व्यक्ति की आत्मा को मुक्त कर देते हैं, जिससे वह अपने परिजनों के पास जाकर तर्पण ग्रहण कर सके। इन 15 दिनों में परिजनों के पिंड दान और श्रद्धा से पीटा अपना भाग लेकर फिर वापस स्वर्ग लोक चले जाते हैं। पितृपक्ष में भूल कर भी ना करें। यह का एक पितृपक्ष में शराब पीना, चरखा, मांसाहार पान, बैंगन प्याज लहसुन बासी, भोजन सफेद तिल मूली लौकी काला नमक सत्तू जीरा मसूर की दाल सरसों का
साग चना आदि वर्जित माना गया है। श्राद्ध में कोई यदि इनका उपयोग करना है तो पीटा नाराज हो जाते हैं। दो, श्राद्ध में गृह कलह करना, बच्चों को मारना या डांटना, स्त्रियों का अपमान करना बहुत ही बुरा माना जाता है, क्योंकि इन दिनों की तरह आपसे उनकी मुक्ति और शांति की आशा लिए आते हैं तो वह आपके आशीर्वाद देने के बजाय नाराज होकर चले जाते हैं। श्राद्ध पक्ष के दौरान पिता और संतान को कष्ट देने से पितृ नाराज होकर चले जाते हैं। तीन, प्रातः काल और रात्रि में श्राद्ध करने से पितृ नाराज हो जाते हैं। कभी भी रात में श्रद्धा न करें, क्योंकि रात्रि राक्षसी का समय है। दोनों संख्याओं के समय भी श्राद्ध कर्म नहीं किया जाता। श्रद्धा के लिए सबसे श्रेष्ठ समय दोपहर का कुत्ता कल और रोहिणी कल होता है। कल में किए गए दान का अक्षय फल मिलता है। चार, पितृपक्ष के दौरान कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करनी चाहिए, जैसे विवाह करना, गृह प्रवेश, दुकान का शुभारंभ आदि कार्य करना शुभ नहीं माना जाता है। साथ ही कोई नया कार्य भी न करें। पितृपक्ष के दौरान नए वस्त्र नहीं खरीदना चाहिए और ना ही पहनना चाहिए, इससे पितृदोष लगता है। माताएं एवं पहलू महायोग टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारी आप सभी के लिए लेट रहते हैं। किसी से भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसके अलावा किसी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए। सट्टा खेलने, किसके साथ छल कपट करना और विकास का धंधा करने से भी पितृ नाराज हो जाते हैं। श्राद्ध पक्ष में ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। छह, पितृपक्ष में आपके दरवाजे पर यदि कोई भी जानवर या साधु आदि आता है तो उनका अपमान ना करें। इन लोगों का अपमान करने से आपके पिता उनका अपमान ना करें इन लोगों का अपमान करने से आपके पिता आपसे नाराज हो सकते हैं। साथ ही घर की चौखट पर यदि कोई गाय कुत्ता भिखारी आता है तो उनका अपमान भी ना करें। साथ, श्राद्ध करने वाले को बाल, नाखून और दाढ़ी नहीं खटवानी चाहिए। के दौरान तर्पण के लिए काले तिल का प्रयोग किया जाता है। इस दौरान भूल कर भी लाल या सफेद तिल का इस्तेमाल न करें। जो घर की चौखट पर आएगा, कुत्ते को भिखारी या अन्य किसी को भूखा ना लौटाए। अतिथियों का आधार के साथ सत्कार करें। भूल कर भी किसी का अपमान न करें। श्राद्ध करने वाले को बाल, नाखून और दाढ़ी नहीं कटवाना चाहिए। श्राद्ध पक्ष के दौरान साबुन, शैंपू या किसी भी प्रकार का तेल का उपयोग न करें। श्राद्ध करने के लिए लोहे के बर्तन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ना ही स्टील के बर्तन का प्रयोग करना चाहिए। इस दौरान आप पीतल के बर्तन में भोजन कर सकते हैं और तांबे के बर्तन में पानी पीना चाहिए। श्रद्धा के लिए आप जो भोजन बना रहे हैं उसको ना तो चखना चाहिए, ना ही पहले खुद खाना चाहिए। जरा पिता का श्राद्ध पुत्र करता है, पुत्र के न होने पर पत्नी को श्राद्ध करना चाहिए। पत्नी न होने पर सगा भाई श्राद्ध कर सकता है। एक से ज्यादा पुत्र होने पर बड़े पुत्र को श्राद्ध करना चाहिए। उक्त नियम से श्रद्धा नहीं करने पर पितृ नाराज हो जाते हैं। अपने घरों में बड़ा पुत्र है, फिर भी छोटा पुत्र श्रद्धा करता है। छोटा पुत्र यदि अलग रह रहा है तब भी सभी को एक जगह एकत्रित होकर श्राद्ध करना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि पितृपक्ष में क्या करना चाहिए। एक, पितृपक्ष में प्रतिदिन पितृ गायत्री मंत्र का जप अवश्य करें, पितृ दोष से मुक्ति मिलेगी। दो, प्रत्येक श्रद्धा वाले दिन गाय, कुत्ते, चींटियां और कौन को भी भोजन प्रदान करना चाहिए। तीन, पितृपक्ष के दौरान रोजाना स्नान के तुरंत बाद जल से ही पितरों को तर्पण करें या किसी ब्राह्मण से करवाई। इससे उनकी आत्माएं जल्द तृप्त होती हैं और आशीर्वाद देती हैं। इसके अलावा यदि आप अपने पितरों का तर्पण करते हैं तो ब्रह्मचारी के नियमों का पालन करें। जो भी भोजन रखे वह भोजन बाद में गाय को, कुत्ता आदि को खिला दें। हिंदू धर्म में मान्यता है कि इनके माध्यम से यह भजन पितरों तक पहुंच जाता है। छह, प्रत्येक श्रद्धा वाले दिन यथाशक्ति ब्राह्मण या गरीबों को भोजन कारण और यथाचित दक्षिणा देकर आशीर्वाद लें। साथ, पितृपक्ष में पितरों की अनुकूलता पाने हेतु श्रीमद् भागवत महापुराण का मूल पाठ तथा श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करें। पितरों की कृपा पाने के लिए ब्रह्म गायत्री मंत्र का भी जब अनुष्ठान करें। नौ, प्रतिदिन पितृ सूक्त के पिटारी गायत्री का संपूर्ण लगा करके अधिक से अधिक पाठ करें या करवा, वैसे 11,000 पाठ में अनुष्ठान की पूर्णता होती है। एक, अनाज अनाज का दान करना बहुत शुभ होता है, खासकर गेहूं, चावल और दालें। इससे गरीबों को भोजन मिलता है
और आपको भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। अनाज का दान करने से आपको सुख समृद्धि और स्वास्थ्य मिलता है। 2. वस्त्र नए और स्वच्छ वस्त्रों का दान करना चाहिए, खासकर गरीब बच्चों और महिलाओं को। इससे उन्हें स्वच्छता और गरिमा मिलती है। वस्त्र का दान करने से आपको समाज में सम्मान मिलता है। वस्त्र दान करने से गरीबों को सामाजिक सम्मान मिलता है। 3. फल और सब्जियां। फल और सब्जियों का दान करना स्वास्थ्य और पोषण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गरीबों को ताजे फल और सब्जियां देने से उन्हें स्वस्थ जीवन मिलता है। फल और सब्जियों का दान करने से आपको स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती मिलती है। 4. पुस्तकें। पुस्तकों का दान करना ज्ञान और शिक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। गरीब बच्चों को पुस्तकें देने से उन्हें शिक्षा मिलती है। पुस्तकों का दान करने से आपको ज्ञान और बुद्धिमत्ता मिलती है। पुस्तकें दान करने से गरीब बच्चों को शिक्षा की दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिलती है। 5. चिकित्सा सामग्री। चिकित्सा सामग्री का दान करना गरीबों के स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों को चिकित्सा सामग्री देने से गरीबों को स्वास्थ्य सेवाएं मिलती हैं। चिकित्सा सामग्री का दान करने से आपको स्वास्थ्य और सुख मिलता है। 6. पानी के बर्तन। पानी के बर्तनों का दान करना गरीबों को पीने के पानी की सुविधा देता है। इससे उन्हें स्वच्छता और स्वास्थ्य मिलता है। पानी के बर्तनों का दान करने से आपको स्वच्छता और सुख मिलता है। 7. दिए और तेल। दियों और तेल का दान करना गरीबों को रोशनी की सुविधा देता है। इससे उन्हें घर में रोशनी मिलती है। दियों और तेल का दान करने से आपको रोशनी और सुख मिलता है। 8. शिक्षा सामग्री। शिक्षा सामग्री जैसे कि पेंसिल, किताबें और बैग का दान करना गरीब बच्चों को शिक्षा मिलती है। शिक्षा सामग्री का दान करने से आपको ज्ञान और बुद्धिमत्ता मिलती है। शिक्षा सामग्री दान करने से गरीब बच्चों को शिक्षा की दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिलती है। 9. भोजन। भोजन का दान करना गरीबों को भोजन की सुविधा देता है। इससे उन्हें स्वस्थ जीवन मिलता। पितृपक्ष में कुछ कामों को करने से बचना चाहिए, जो इस प्रकार हैं: धार्मिक कार्य 1. नए देवताओं की पूजा न करें। पितृपक्ष में नए देवताओं की पूजा न करें, क्योंकि यह पितरों की आत्मा को अप्रसन्न कर सकता है। 2. नए त्योहार न मनाएं। पितृपक्ष में नए त्योहार न मनाएं, क्योंकि यह पितरों की आत्मा को अप्रसन्न कर सकता है। 3. नए मंत्रों का जाप न करें। पितृपक्ष में नए मंत्रों का जाप न करें, क्योंकि यह पितरों की आत्मा को अप्रसन्न कर सकता है। सामाजिक कार्य 1. नए संबंध न बनाएं। पितृपक्ष में नए संबंध न बनाएं, क्योंकि यह पितरों की आत्मा को अप्रसन्न कर सकता है। 2. नए व्यवसाय न शुरू करें। पितृपक्ष में नए व्यवसाय न शुरू करें, क्योंकि यह पितरों की आत्मा को अप्रसन्न कर सकता है। 3. नए घर में न जाएं। पितृपक्ष में नए घर में न जाएं, क्योंकि यह पितरों की आत्मा को अप्रसन्न कर सकता है। व्यक्तिगत कार्य 1. नए वस्त्र न खरीदें। पितृपक्ष में नए वस्त्र न खरीदें, क्योंकि यह पितरों की आत्मा को अप्रसन्न कर सकता है। 2. नए आभूषण न खरीदें। पितृपक्ष में नए आभूषण न खरीदें, क्योंकि यह पितरों की आत्मा को अप्रसन्न कर सकता है। 3. नए ए वाहन न खरीदें। पितृपक्ष में नए वाहन न खरीदें, क्योंकि यह पितरों की आत्मा को अप्रसन्न कर सकता है। अन्य कार्य 1. नशीले पदार्थों का सेवन न करें। पितृपक्ष में नशीले पदार्थों का सेवन न करें, क्योंकि यह पितरों की आत्मा को अप्रसन्न कर सकता है। 2. झूठ न बोलें। पितृपक्ष में झूठ न बोलें, क्योंकि यह पितरों की आत्मा को अप्रसन्न कर सकता है। 3. चोरी न करें। पितृपक्ष में चोरी न करें, क्योंकि यह पितरों की आत्मा को अप्रसन्न कर सकता है। इन कामों को करने से बचने से पितरों की आत्मा प्रसन्न होती है और आपको उनकी कृपा प्राप्त होती है। देखना चाहते हो भाई बहनों, अगर आप अपने पितरों को खुश देखना चाहते हो तो सच्चे हृदय से इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय भगवान विष्णु अवश्य ही लिखें, जिससे कि आपकी पुकार सीधी आपके पितरों तक पहुंच जाएगी। इसलिए और ऐसी ही भारतवर्ष में हम इतने ही ज्ञानवर्धक जानकारी पूरे भारतवर्ष में महायोग टीवी चैनल के माध्यम से पहुंच रहे हैं। इसलिए आप इस महायोग टीवी चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आप सभी ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि आपसे आपके पुत्र भी इससे प्रसन्न होंगे
और आपकी सभी मनोकामनाएं इच्छाओं को वह पूरा करेंगे। पितृपक्ष के दौरान खानपान का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। आइए जानते हैं पितृपक्ष के दौरान कौन सी सब्जियां नहीं खानी चाहिए और कौन से काम नहीं करने चाहिए। सबसे पहले तो इस बात का ख्याल रखें कि जो व्यक्ति श्रद्धा क्रिया करता है उसे बाहर के बने खाने का सेवन नहीं करना चाहिए। उसे व्यक्ति को 15 दिन तक सात्विक भोजन ही करना चाहिए। दरअसल धार्मिक दृष्टि से बाहर का खाना अशुद्ध माना जाता है। प्रिय मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरा आप सभी से अनुरोध है कि अगर आप लोग भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप लोगों पर बना रहे हो, इस वीडियो को एक लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबाएं ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। इसलिए आप महायोग टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पितृपक्ष में इन चीजों का भूल कर भी ना करें। सेवन एक पितृपक्ष में मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। दरअसल ऐसा करना अशोक माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में मसूर दाल का संबंध मंगल से माना गया है और मंगल क्रोध का कारक है, इसलिए मसूर दाल का सेवन पितृपक्ष में मना किया गया है। दो पक्का चावल, जिसे उसने भी कहा जाता है, इसका सेवन भी पितृपक्ष में वर्जित माना गया है। पूजा पाठ के काम में अरवा चावल का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे कच्चे चावल के नाम से भी जाना जाता है, इसका सेवन आप कर सकते हैं। तीन शास्त्रों के अनुसार इस दौरान मूली और गाजर का सेवन नहीं करना चाहिए। दरअसल मूली और गाजर को अशुद्ध माना जाता है। पूजा पाठ में इनका इस्तेमाल भी वर्जित है। दरअसल इस सब्जियों का संबंध राहु से होता है। चार शास्त्रों में अरबी का सेवन भी पितृपक्ष में वर्जित माना गया है, इसलिए इस दौरान अरबी और करेला को सेवन भूल कर भी ना करें, वरना आपके पिटारी आपसे नाराज हो सकते हैं। दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। हालांकि आप जिस दिन पितरों की तिथि है उसे दिन उनके नाम का खीर बना सकते हैं। दरअसल खीर को पितरों का भजन माना गया है, इसलिए खीर का सेवन आप कर सकते हैं। छह भूल कर भी पितृपक्ष के दौरान किचन में लोहे के बर्तन का इस्तेमाल भूल कर भी नहीं करना चाहिए। इस दौरान लोहे के बर्तन में खाना नहीं बनना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पितृपक्ष में लोहे के बर्तन में खाना बनाने से पितृ नाराज हो जाते हैं। दरअसल पितृपक्ष के दौरान पितृ लोहे के बर्तन में खाना बनाने से तृप्त नहीं हो पाते हैं। यही वजह है कि इस दौरान लोहे के बर्तन का इस्तेमाल न करें, इससे उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती है। पितृपक्ष में भूल कर भी ना करें। यह का एक श्रद्धा के दौरान दर्पण के लिए काले तिल का प्रयोग किया जाता है। इस दौरान भूल कर भी लाल या सफेद तिल का इस्तेमाल न करें। दो पितृपक्ष के दौरान मांगलिक कार्य नहीं करनी चाहिए, जैसे विवाह, गृह प्रवेश, दुकान का मुहूर्त आदि, इस तरह के मांगलिक कार्य नहीं करनी चाहिए। साथ ही इस समय में कोई भी नया सामान भी नहीं खरीदना चाहिए। तीन पितृपक्ष में किसी से भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। इसके अलावा किसी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए। सट्टा खेलने, किसी के साथ छल कपट करना, इस तरह के कार्य नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से पिटारी नाराज हो जाते हैं। साथ ही पितृपक्ष के दिनों में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, पर यदि कोई जानवर साधु आता है तो उनका अपमान ना करें। इन लोगों का अपमान करने से आपके पिता आपसे नाराज हो सकते हैं। साथ ही घर की चौखट पर यदि कोई गाय, कुत्ता, भिखारी आता है तो उनका अपमान भी ना करें। पांच, श्राद्ध करने वाले को बाल, नाखून और दाढ़ी नहीं खटवानी चाहिए। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि पितृपक्ष में क्या करना चाहिए। एक, पितृपक्ष में प्रतिदिन पितृ गायत्री मंत्र का जप अवश्य करें, पितृ दोष से मुक्ति मिलेगी। दो, प्रत्येक श्रद्धा वाले दिन गाय, कुत्ते, चींटियां और कौन को भी भोजन प्रदान करना चाहिए, इन चीजों की भी है मनाही। ऐसा माना गया है कि पितृपक्ष के दौरान सरसों का तेल, झाड़ू और नमक खरीदने से व्यक्ति को त्रिदोष लग सकता है, जिस कारण व्यक्ति को कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे में आपके ये सभी चीजें पितृपक्ष से पहले ही खरीद कर रख लेनी चाहिए। इन नियमों का जरूर रखें ध्यान। पितृपक्ष के दौरान कुछ मांस मदिरा से दूरी बनानी चाहिए। इस अवधि में लहसुन प्याज रहित सात्विक भोजन ही खाएं। साथ ही पितृपक्ष में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसी के साथ अपने आसपास का माहौल भी सात्विक रखने का प्रयास करें।
पितृपक्ष के दौरान रोजाना स्नान के तुरंत बाद जल से ही पितरों को तर्पण करें या किसी ब्राह्मण से करवाई। इससे उनकी आत्माएं जल तृप्त होती हैं और आशीर्वाद देती है। इसके अलावा यदि आप अपने पितरों का तर्पण करते हैं तो ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करें। कर शाम को एक सरसों के तेल या गाय के घी का दीपक दक्षिणमुखी लाकर के जलाएं। 5 पितृपक्ष के दिनों में पितरों के लिए जो भी भोजन रखें वह भोजन बाद में गाय को, कुत्ता आदि को मिला दे। हिंदू धर्म में मान्यता है कि इनके माध्यम से यह भजन पितरों तक पहुंच जाता है। 6 प्रत्येक श्रद्धा वाले दिन यथाशक्ति ब्राह्मण या गरीबों को भोजन कारण और यथाचित दक्षिणा देकर आशीर्वाद लें। 7 पितृपक्ष में पितरों की अनुकूलता पाने हेतु श्रीमद् भागवत महापुराण का मूल पाठ तथा श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करें। पितरों की कृपा पाने के लिए ब्रह्म गायत्री मंत्र का भी जब अनुष्ठान करें। 9 प्रतिदिन पितृ सूक्त के पिटारी गायत्री का संपूर्ण लगाकर के अधिक से अधिक पाठ करें या करवा। वैसे 11,000 पाठ में अनुष्ठान की पूर्णता होती है। 10 यदि कोई शादीशुदा व्यक्ति श्राद्ध कर रहा है तो उसके साथ उसकी पत्नी का होना भी जरूरी है। इन नियमों का जरूर रखें। ध्यान पितृपक्ष के दौरान कुछ मांस मदिरा से दूरी बनानी चाहिए। इस अवधि में लहसुन प्याज रहित सात्विक भोजन ही खाएं। साथ ही पितृपक्ष में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इसी के साथ अपने आसपास का माहौल भी सात्विक रखने का प्रयास करें। पितृदोष के उपाय। पितृदोष को समाप्त करने के लिए घर के दक्षिण दीवार पर अपने पूर्वजों की तस्वीर लगाएं और उनकी तस्वीर के सामने दिया धूप या अगरबत्ती जलाएं। विशेष रूप से ऐसा अगर आप श्राद्ध पक्ष के दौरान करते हैं तो आपको विशेष रूप से लाभ मिलेगा। इसके अलावा पितृपक्ष में रोजाना घर में शाम के समय दक्षिण दिशा में तेल का दीपक लगाएं। ऐसा रोजाना भी कर सकते हैं। इससे पितृदोष खत्म हो जाता है। पितृपक्ष शांति के लिए रोजाना दोपहर के समय पीपल के पेडीएच की पूजा करें। पितरों को प्रसन्न करने के लिए पीपल में गंगा जल में काले तिल, दूध, अक्षत और फूल अर्पित करें। पितृदोष शांति के लिए ये उपाय बहुत कारगर है। पितृदोष को समाप्त करने के लिए पितृपक्ष में भगवान शिव की रोजाना पूजा करें। पितृदोष के बुरे प्रभाव से बचने के लिए 5 मुखी, 7 मुखी, 8 मुखी और 12 मुखी रुद्राक्ष एक साथ धारण करें। यदि ये उपलब्ध न हो पाए तो आप नवग्रह रुद्राक्ष माला भी धारण कर सकते हैं। वहीं पितृदोष के निवारण के लिए पितृपक्ष में और अमावस्या पर पितरों के निमित्त भोग लगाएं और पितृ स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अगर आप आर्थिक समस्या से परेशान हैं तो इस सर्व पितृ अमावस्या के दिन पितरों को खीर का भोग लगाएं। उन्हें दूध और चावल से बना खीर और पूरी अर्पित करें। यदि भोजन चांदी के बर्तन में परोसा जाए तो ज्यादा शुभ होगा। पितरों को खीर पूरी चढ़ाने के बाद 21 कन्याओं और 7 बालकों को खीर पूरी खिलाएं। ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं। साथ ही घर में धन धान्य आता है। इससे परिवार के लोगों की आय का स्रोत भी बढ़ता है। अगर किसी की शादी नहीं हो रही है, बार बार रिश्ता टूट जाता है, तो इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए पितृपक्ष में नारियल का टोटका अपनाएं। इसके तहत चीटियों के बिल के पास 3 नारियल के गोले जमीन में दबा दें। इससे परेशानी दूर हो जाएगी। अगर आपका कोई काम नहीं बन रहा है या कोई मनोकामना अधूरी है तो आप पितृपक्ष पर इसके लिए उपाय कर सकते हैं। माताएं बहनों, महायोग टीवी चैनल कभी आपको गलत जानकारी नहीं देगा, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक जरूर ही कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। इसके तहत आपको 1.25 पाव कच्चा दूध लेकर नीम, पीपल और बरगद की त्रिवेणी में अर्पित करना होगा। दूध चढ़ाने के बाद वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करनी होगी। इस दौरान आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। अगर आपके घर में कोई काफी बीमार है तो आप पितृपक्ष की चतुर्दशी के दिन रोगी के सिरहाने एक लाल पोटली रख दें। थैले में 100 ग्राम गेहूं के दानों के साथ 1 रुपए का सिक्का और 1 कील बांध कर रख दें। अब अगले दिन सुबह इस पोटली को पीपल के वृक्ष की जड़ में गाड़ आए। आते समय किसी से कुछ बोले ना। ऐसा करने से जल्द ही स्वास्थ्य लाभ होगा। मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए पितृपक्ष में रोजाना पीपल के वृक्ष पर दोपहर में जल, पुष्प, अक्षत, दूध, गंगा जल, काले तिल चढ़ाएं और स्वर्गीय परिजनों को याद करें। ऐसा करने से पितृगढ़ प्रसन्न होते हैं।
अगर किसी की कुंडली में पितृ दोष है तो पितृ पक्ष के सोमवार को प्रातः काल में स्नान कर नंगे पैर शिव मंदिर में जाएं। अब शिवलिंग पर आर्क के 21 पुष्प, कच्ची लस्सी और बिल्व पत्र चढ़ाएं, इससे दोष दूर हो जाएगा। अगर आपके काम बिगड़ रहे हैं और लाख कोशिशों के बावजूद कामयाबी नहीं मिल रही है तो पीपल तथा बरगद के पेड़ लगाएं, साथ ही विष्णु भगवान के मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से कार्यों में फंसाव दूर हो जाएंगे। पितृ अमावस्या के दिन बबूल के पेड़ के नीचे पितरों के लिए भोजन रखने से पूर्वज खुश होते हैं, इससे बुरी नजर से भी बचाव होता है। जॉब ऑफ बिजनेस में सफलता पाने के लिए पितृ अमावस्या के दिन कच्चा दूध, 2 लौंग, थोड़े बताशे और काला तिल चढ़ाएं। ऐसा करने से आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। पितृपक्ष की पौराणिक कथा। पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार जोगे तथा भोगे 2 भाई थे, दोनों अलग अलग रहते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन, दोनों में परस्पर बद्धा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का अभिमान था, किंतु भोगे की पत्नी बड़ी सरल हृदय थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा तो जोगे इसे व्यर्थ का कार्य समझकर टालने की चेष्टा करने लगा, किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी की वजह से ऐसा कह रहे हैं, किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं भोगे की पत्नी को बुला लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिर उसे भी तो पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका, न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई, पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहां गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहां भोजन पर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहां गए, वहां क्या था? मात्र पितरों के नाम पर अग्यारी दे दी गई थी। पितरों ने उसकी राख छाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुंचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहां के श्राद्धों की बढ़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आपबीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर भोगे समर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ जाता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे, भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए, सांझ होने को हुई। भोगे के बच्चों को कुछ भी खाने को नहीं मिला था। उन्होंने मां से कहा, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी ने कहा, जाओ आंगन में हौदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांटकर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी पड्ढी है। वे दौड़े दौड़े मां के पास पहुंचे और उसे सारी बातें बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान रह गई। इस प्रकार भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल का पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन भोगे की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी, जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बड्ढे प्रसन्न तथा तृप्त हुए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को हर एक माता बहन तक जरूर शेयर करें, जिससे कि भारत में यह वीडियो हर एक व्यक्ति तक पहुंच सके और वह इस वीडियो से लाभ ही लाभ उठा सके। माताएं बहनों, अगर आप अपने पितरों को खुश देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को सच्चे हृदय से लाइक अवश्य ही कर दीजिए। और हर एक ग्रुप आपको भेजना है वहां भेजिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप हर एक जगह फैला दीजिए।